हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो कल से रमज़ान शुरू और आप सभी को रमज़ान मुबारक। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखें, मेरी कामयाबी के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे मोमिन के लिए। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हैं, उन्हें नहीं पता मैं रमज़ान में वीडियो नहीं बनाता हूँ। जी हाँ, ये पूरा 1 मंथ वीडियो नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग पहले वाले वीडियो को देखकर गुजारा करो। और कुछ लोग मेरे को रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप रमदान का एक वीडियो बनाओ, लाइक हाउ यू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं बनाऊँ या नहीं, तो इसलिए आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो फाइनली ये Q&A वीडियो आ गया है। ये मेरे को टिकटॉक के टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग बनाने के लिए, बट उस टाइम मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो इसलिए मैं नहीं बनाया। तो आज वो मोमेंट है, आज मेरे पास फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है और मेरे चाहने वाले भी हैं, तो इसलिए ये Q&A वीडियो आप लोगों के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था तो वहाँ मेरे को 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और यूट्यूब पे भी। तो सबका क्वेश्चंस तो नहीं ले सकता, तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए और बाकी सब तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं ये वो, तो इसलिए मैं वो सब क्वेश्चंस को नहीं लिया, सिर्फ एक ही लिया उसका। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, वो मेरे को जाकर फॉलो करें, मैं आईडी नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट। तो मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ। सो द फर्स्ट वन, भाई आप शाहरुख, और हाँ मैं शाहरुख सर से रिलेटेड क्वेश्चंस को टॉप में रखा हूँ, क्योंकि वीडियोस की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और शाहरुख सर से अच्छी चीज़ कुछ हो सकती है क्या? नहीं ना, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन इज़ भाई अक्रम अंडरस्क्वेट काना 07, भाई आप शाहरुख सर की कौन सी मूवी देख के उनके फ़ैन बने, मीन्स मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड मूवी ऑफ शाहरुख। तो देखो, मूवी तो मैं उनका बहुत सारा देखा हूँ, बट फैन वाला जो फंडा है ना, वो कुछ अलग से है। देखो क्या है ना, मेरी जो सिस्टर है वो सलमान खान की फ़ैन है, तो वो जब मूवी देखती थी वो मेरे को टीज़ करती थी शाहरुख सर को लेकर, तो मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं था। तो उस टाइम साइबर कैफ़े का ज़माना हुआ करता था, तो मैं 10 रुपया देकर आधे घंटे वहाँ पे बैठता और बैठ के मैं शाहरुख सर के बारे में सर्च करता, लाइक उनकी बायोग्राफी, उनकी मूवीज़, उनके इंस्पिरेशन कोट्स वगैरह। तो वो सब देख के ना मेरे को बहुत एक पॉजिटिव वाइब आया, तो मैं सोचा कि नहीं, ये बंदा है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे को अपनी बहन से आर्ग्यूमेंट भी जीतना था, तो इस बहाने मैं आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में मैं उनका फ़ैन बन गया। और वैसे तो सारी मूवी देखी है, तो मेरी फर्स्ट मूवी उनकी थी DDLJ। सो द सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड बाई साइलेंट गर्ल 7830 जूनियर इसार के, क्या आपको कभी किसी से लव हुआ है, प्लीज़ बताओ। आज भी है क्वेश्चन बाई अंकिता श्रीवास्तव 143, क्या आप बड़े होके रोमांटिक बने या बचपन से थे? था तो मैं बचपन से ही, जब मैं क्लास 1 में था तब आई फॉलन इन लव विद क्लास 7 स्टूडेंट, जी हाँ। बट मेरी सिस्टर ने मेरा पोपट कर दिया, वो अपने सारे फ्रेंड को इकट्ठा करके मेरा मजाक बना दिया। तब से मैं अपना प्यार मोहब्बत का इजहार नहीं करता, सबको यहाँ पे रखता हूँ। और क्लास में भी अपने फीमेल फ्रेंड्स हो या फिर क्लास टीचर हो, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता, तो हाँ मैं बचपन से रोमांटिक हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय तस्लीम शेख, आप इतने दिल वाले कैसे हो? लीजिए बाबू, शाहरुखियन से कभी ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने शाहरुखियन होते हैं ना, वो दिलवाले होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ना किया करो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मुंतहा, इन फ्यूचर इफ़ यू मीट विथ योर सीनियर, हाउ वॉज योर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस? ये तो सोच के ही मेरे को खुशी हो रहा है। तुम्हें पता है एक इंसिडेंट, जब मैं एडन गार्डन मैच देखने गया था KKR का, तो जब KKR मैच जीतता है तो शाहरुख सर ग्राउंड का मतलब राउंड लगाते हैं, तो मैं ना एकदम टॉप टीयर में बैठा हुआ था, तो वो जब मेरे क्लोज आए ना, तो मैं उनको चिल्ला रहा था शाहरुख खान शाहरुख खान, बट काहे को सुने, वो तो सुन ही नहीं रहे थे। फिर ना मैं नीचे देखा कि अगर मैं यहाँ से कूद जाता हूँ तो मैं बचूंगा कि नहीं, तो मेरे मन में वो ख्याल आ रहा था कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो करीब से मैं उनको देखूँ। मैं ऊपर से कूदने जा रहा था, तुम यकीन नहीं करोगे ये बात सच है, मैं ऊपर से कूदने जा रहा था, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया। तो सोचो मतलब उनको करीब से देखने के लिए मैं ऊपर से कूदने के लिए रेडी हूँ, तो जब मैं उनको पास से देखूंगा तो क्या मंजर होगा। और हाँ, मैं जब उनसे मिलूंगा तो मेरे को 3 चीज़ करना ही है। एक तो पहले उनको जोर से झप्पी लेना है, दूसरा मेरे को अपना वीडियो दिखाना है जो मैं बनाता हूँ, और तीसरा उनके साथ एक सिग्नेचर पोज में एक वीडियो, बस जिंदगी सफल। द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस साइको 07, आपने अपना करियर कब शुरू किया, क्या इसमें आपका फैमिली का सपोर्ट है? गुड क्वेश्चन। तो मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत 2017 में की थी, जब मैं पटना में था हॉस्टल में, तो उस टाइम मेरी शुरुआत हुई थी।
और इसको मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाना है, तो इसलिए बस इतना जान लो। और क्या इसमें आपका फैमिली का सपोर्ट है? नहीं, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था। बहुत मार खाया, बहुत सुना, घर से निकाल भी दिया गया। मेरा ट्राइपॉड था वो भी तोड़ दिया गया ताकि मैं वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि वो सच में स्टार्टिंग में सबको लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। और ये ना सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप किसी चीज़ को अगर करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको बहुत रुकावट मिलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे, पर देखना जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो वो लोग खुद आपको सपोर्ट करेंगे। जब मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था तो रिलेटिव्स की तरफ से कॉल आने लगे कि आपका बेटा स्टार हो गया, ये वो, तब से ये लोग मेरे को सपोर्ट करने लगे। तो आप लोग भी देखना, जिस चीज़ को आप कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू रखो। जब आप कामयाब हो जाओगे तो सब आपको पूछेगा और सब आपको सपोर्ट भी करेगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाई गुफी स्निज 19, पेरेंट्स के अलावा आपके सबसे करीब कौन हैं? फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, कजिन्स? ओ माई सिस्टर, दो आई डोंट शेयर माई सीक्रेट्स विथ हर बिकॉज आई नो झगड़े होंगे तो वो जाकर बोल देगी, बट हाँ उसके अलावा वो मेरे करीब है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाई यीशु चौधरी 981, देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बट स्टिल माई क्वेश्चन इज, वट वुड यू लाइक टू बी इन योर फ्यूचर इफ़ यू वेर नॉट अ वीडियो क्रिएटर? ये क्वेश्चन बहुत ही डरावना है। तुम्हें पता है मैं जब रात में वीडियो सोचता हूँ तो मेरे को ये ख्याल आता कि अगर मैं वीडियो क्रिएटर नहीं होता तो मैं क्या करता, क्योंकि ना मैं बहुत आलसी टाइप का हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होता, मेरे से मेहनत नहीं होता वीडियो के अलावा। तो अगर सच में अगर वीडियो नहीं आता तो मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या करता। खैर जो भी है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और बाकी वो दे तो भी राजी, वो ना दे तो भी राजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बाई एक्स ऑवेज 8, आपका इनकम क्या है? अगर मैं अभी MBA करके जॉब करता तो मेरा जितना सैलरी होता उसका डबल है। तो जॉब आप पता कर लो MBA का सैलरी कितना है स्टार्टिंग का। नेक्स्ट सहला 132, यू डांस रियली वेल, माशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं बोलते, आपने कोई एकेडमी यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखा या खुद से आया? देखो आप मेरे को वीडियोस में जितना कुछ करते देखते हो ये सब मेरे को कोई नहीं सिखाया, मैं खुद से करता हूँ। और हाँ एक टाइम में मेरे को डांस का जुनून सवार हुआ था तो मैं एडमिशन भी कराया, बट वहाँ क्या ना मेरे को डायरेक्शन दे रहे थे ऐसे करो वैसे करो, तो मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद। मैं आज तक कुछ भी किया हूँ खुद की बदौलत पे किया हूँ और खुद से किया हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ से। तो 3 दिन सिर्फ गया, जाकर डांस क्लास छोड़ दिया। तो ये डांस वगैरह जो भी है ये सब खुद की बदौलत है। एक और क्वेश्चन आपके, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड मेकिंग वन रील? ये डिपेंड करता है कॉन्टेंट पे और पर्सन पे। लाइक अगर नगमा है तो 2 घंटा का वीडियो आराम से 4 घंटा में बन जाएगा, और अगर संजना है तो 2 घंटा का वीडियो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि अगर बॉलीवुड रिक्रिएशन देखते हो वो करते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको कॉपी करना इट्स नॉट ईजी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और मेरा कंटेंट जो है वो तो बस सिंपल है, लास्ट में कल ही कर दो, कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो वीडियो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीरा यतफी, योर इंस्पिरेशन फॉर ऑल योर रोमांटिक कॉन्टेंट, आपके लव लाइफ के बारे में जानने की इच्छा है? देखो इंस्पिरेशन तो शाहरुख खान के अलावा और कोई हो नहीं सकता रोमांटिक कॉन्टेंट में, और लव लाइफ के बारे में मत जानो, तकलीफ होता है। नेक्स्ट मिस याशीन, कुल्फू भाई आपका आईफोन XS है या X ज़रूर बताना, और आईफोन लेना है कौन सा लूँ प्लीज़ सजेस्ट ब्रो। देखो मेरा X है, मेरा भी रिसेंट में आईफोन X ख़राब हुआ था पानी में गिर के, तो मैं फिर से X लिया हूँ। तो डिपेंड करता है आप कौन सा वीडियो बनाते हो, आप इंडोर शूट करते हो कि आउटडोर शूट करते हो। अगर आप इंडोर करते हो तो आप आईफोन X लो, अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आप 11 प्रो मैक्स लो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अरहान खान 01, आपके घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, 2 सिस्टर, मी, मेरा भाई और एक मेरे मामा की बेटी, बस। जिनिसा यास्मीन, आपका डेली रूटीन क्या है? ये वीडियो बना लो प्लीज़। रात 12 बजे से स्टार्ट करते हैं, 12 से 1 सॉन्ग सेलेक्ट करना, 1 से 4 बजे तक कंटेंट बनाना, अगर सुबह में शूट हुआ तो फिर 6 बजे 2 घंटा सिर्फ सोना होता है, 6 बजे से फिर वीडियो 1 बजे तक, 1 बजे के बाद फिर घर आता हूँ खाना खाकर, फिर आराम 4 बजे तक, 4 बजे से वीडियो एडिट, 6-7 बज जाता है मेरे को, कभी कभी 8 भी बज जाता है, फिर 1 घंटा कैफे के शॉप पे जाके बैठता हूँ, मतलब कल का डिसाइड होता है, 9 बजे जिम, 9 से 11:30 बजे तक जिम होता है, मतलब होता है जिम आधा घंटा, उसके बाद हम लोग घाट पे जाके बैठते हैं, तो 11:30 बजे फिर हो गया खाना खा के, फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है। शेख जुलेखा ऑफिशियल, भाई शादी कब कर रहे हो? 5-6 साल अभी भी है। अलीना खान 451, आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन कौन है जिसके बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है? गुलफू शेख, यस, अगर मैं खुद को टाइम ना दूं तो ये वीडियो वगैरह कुछ कुछ भी नहीं बन पाएगा, तो मेरे को खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और लोगों से तो भाई एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, क्योंकि सब होते हैं और गद्दार भी होते हैं, तो इसलिए मेरा भी सजेशन है खुद को टाइम दो और खुद को ही अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखो,
देखना लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगा, तुम बिंदास रहोगे। मार्वेलस मशवीर, आपको कभी आपकी अम्मी ने झाड़ू या फिर खूंटी से मारा है? हाँ, एक बार मार खाया था, मेरा हाथ भी टूट गया था। और पता है उसके नेक्स्ट दिन ना मेरे स्कूल में टेस्ट था, तो मैं अभी जैसे बताया कि मैं क्लास टीचर हूँ या फिर फीमेल फ्रेंड्स हो सबको इम्प्रेस करता हूँ, तो जब मैं गया हाथ टूटा हुआ था तो मैम को बोला, तो मैम बोली ठीक है गुलफाम का हाथ टूटा हुआ है तो आज टेस्ट नहीं होगा, तो टेस्ट से भी बच गया। और उसके बाद टेस्ट वो हुआ भी नहीं। हाँ, एक बार मार खाया था। नेक्स्ट, तहसीन 1641, आप जितनी लड़कियों के साथ वीडियो बनाते हो वो आपके सारे फ्रेंड्स हैं या कोई गर्लफ्रेंड भी है आपकी उसमें? जस्ट क्वेश्चन यार। देखो, मैं जितने लोगों के साथ मिला हूँ, चाहे संजना हो, नगमा हो, अंजलि हो, ये सब इत्तेफाक से मिले मेरे को। मतलब एक होता है ना कि पुराना रिश्ता, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मतलब किसी और के थ्रू आते हैं और किसी और के लिए आते हैं। मैं बस देख लेता हूँ कि हाँ भाई इसमें टैलेंट है तो इसको लेना है वीडियो में, तो वैसे बस जस्ट एक वीडियो में लेता हूँ और वो लोग भी फिर आ ही जाते हैं। और ये फ्रेंड वाली बात या फिर गर्लफ्रेंड वाली बात तो नहीं है, ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है इसमें से, फ्रेंड्स भी नहीं है, वीडियो पार्टनर बोल सकती हो, क्योंकि ना मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, ये लोग भी जानते हैं। ना मैं उन लोगों को टेक्स्ट करता हूँ, ना वो लोग मेरे को टेक्स्ट करते हैं। आप लोग सोचते होगे कि वीडियो में ये लोग इतना रोमांटिक है, इतना मतलब दिखता है ये लोग का केमिस्ट्री, तो ये लोग में बहुत कुछ बात होता होगा, तो हम लोग में कुछ बात नहीं होता है, ना वो मेरे को टेक्स्ट करती ना मैं उसको करता हूँ, तो बस हम लोग सिर्फ वीडियो पार्टनर है बस। किरण PVT022, नगमा आपी के साथ वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया आप? देखो, नगमा को क्या है ना, शुरू से वीडियो में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं उसको बोलता देखो तुम मेरे साथ रहो कुछ हो जाएगा, मैं उसको हमेशा भरोसा दिलाता था। बट क्या ना, उसको मेहनत करना नहीं पसंद था, लॉन्ग वीडियोस हो रहे थे और प्लस वीडियो का मेहनत ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो नहीं कर पा रही थी। अब देखते होगे वीडियो में उसका एक्सप्रेशन भी सही से नहीं आता है और एक वीडियो में बहुत टाइम भी लगता है उसका, तो वो खुद बोलती है कि अब मेरे से नहीं होता है। तो मैं बोलती हूँ भाई ठीक है, जब नहीं होता है तो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं हो रहा है तो यू कैन गो, तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बनाते साथ में। ZX हुमायून, ब्रो इस दफ़ा कितना रोज़ा रखोगे? भाई मैं पूरा रोज़ा रखता हूँ, रमज़ान में कोई मजाक नहीं, एकदम शिद्दत से इबादत करना है, शिद्दत से रोज़ा रखना है और अल्लाह को राज़ी करना है। नेक्स्ट, राजू साहनी ऑफिशियल, आप वीडियो कब से बना रहे हो और आपको कब सक्सेस मिली? वीडियो तो मैं बताया, मैं जब पटना में था, हॉस्टल में था, तब से स्टार्ट किया। और सक्सेस पता है जब आईफोन लिया था तब मेरे को सक्सेस मिला, और मेरे को वीडियो बनाने के 1.5 साल बाद मिला जब मैं आईफोन लिया। और उस टाइम ना मैं स्लोमो स्टार्ट किया था, जब उस टाइम ट्रेंड चल रहा था स्लोमो, तो मैंने उसमें एक क्रिएटिविटी किया, कुछ झाड़ू वाला एक सीन किया था, वो वीडियो मेरे पास नहीं है, तो वो वाला क्रिएटिविटी किया था। तो कमेंट में मेरे को आया था कि यार तुम लोग दिमाग कहाँ से लाते हो, तो मैं सोचा अरे भाई मेरे में दिमाग है इसका मतलब। तब से ना मैं कंटेंट स्लोमो के साथ एक क्रिएटिविटी, मतलब उसमें कुछ एक हरकत करता हूँ कि लोग को अट्रैक्ट करे। और उसके बाद जब मैं किया तो मेरा सारा वीडियोज़ वायरल लगातार होते गया, तब से मैं समझ लो मेरा चल रहा है और आज तक चल ही रहा है, अब तो बॉलीवुड वाले भी सीन भी ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट इज नसरीन सुल्ताना 23, अगर आपके फैमिली आपके डांस को सपोर्ट नहीं करते तो आप क्या करते, मतलब क्या काम करते? देखो, डांस का क्या है ना, वो मेरे को शुरू से ही लोग सपोर्ट करते हैं, अम्मी पापा दोनों। कोई भी ओकेशन होता, कोई भी मतलब मेहमान आते घर में, अम्मी नाच पापा नाच के दिखा, तो मतलब ये डांस वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये मेरा शुरू से है। और हाँ, अगर आपका क्वेश्चन है कि अगर मतलब अगर नहीं करते तो क्या काम करते, तो जैसे कि अभी मैं MBA करके बैठा हूँ, जॉब नहीं कर रहा हूँ, अगर डांस वगैरह या फिर एक्टिंग वगैरह नहीं करता तो जॉब करता हूँ। नेक्स्ट, अली 9074 ACR, अरे भाई इतने बड़े स्टार हो गए हो, अब तो रिप्लाई भी नहीं दोगे टिकियापाड़ा में रहकर? टिकियापाड़ा के लोग को रिप्लाई नहीं? देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना बड़ा स्टार अभी नहीं हुआ हूँ, जस्ट एक नॉर्मल क्रिएटर हूँ। और रही बात वो एटीट्यूड या फिर इग्नोर मानने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कभी मेरे को रास्ता में देखोगे, मेरे को एक आवाज़ दोगे, अगर मैं पलट के नहीं देखा या फिर आपसे बात नहीं किया, तो कह सकते हो कि हाँ भाई लड़का में एटीट्यूड है। तुम्हें पता है, मैं जब अपने कैफ़े के शॉप में बैठता हूँ तो कुछ फैंस आते हैं, बोलते इधर आओ, मैं चुपचाप से उठता हूँ, बोले हाँ बोलिए, लाइफ साथ फ़ोटो लेना है, बोले हाँ ले लीजिए, तो मैं अंदर से उठ के आके उनके साथ फ़ोटो लेता हूँ। और आप लोग ऐसे बोल रहे हो, नहीं नहीं कभी नहीं, मेरे से मिलोगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, स्पेशियस गर्ल, आपसे मिलने के इरादे से हम कितनी दफ़ा रिलेमिज़म का चक्कर काट चुके हैं बट आप मिलते नहीं हैं, ऐसा क्यों? देखो, तुम लोग ही मेरे को रिलेमिज़म कर करके मेरा रिलेमिज़म छुड़वा दिए। दिसंबर के बाद से मैं मुश्किल से 5 से 6 बार गया हूँगा, क्योंकि अब जाता ही नहीं हूँ, आप लोग इतना बोलते हो मेरे को, ठीक है खैर, बट ईद के बाद सबसे मुलाकात होगी, मैं मीटअप रखूँगा रेलवे म्यूजियम में ही, या फिर आप बोलोगे तो कोलकाता साइड में रखूँगा, सबसे मिलूँगा पक्का। नेक्स्ट, इट्स प्रथम, आपका कितना टाइम है और मोनिटाइज होने में चैनल लव फ्रॉम हावड़ा? मेरा चैनल ऑलरेडी मोनिटाइज हो चुका है, मेरा 5 दिन में चैनल मोनिटाइज हुआ था, 5 दिन मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। आई ईशानी बिड़ू, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मेरे को क्यूट, रोमांटिक, नॉटी, शाहरुखियन होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है, नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट बस। नेक्स्ट, ध्वनि 4444 अरमाली ऐसा कुछ है, आपके 10 में कितने मार्क्स थे?
मेरे टेन में 65 पॉइंट समथिंग थे, उसके बाद 11 में 73, 12 में 75, BBA में 75 के ऊपर था और MBA में 72 शायद। तो पढ़ने में अच्छा हूँ, ख़राब नहीं हूँ पढ़ने में, अच्छा मतलब सब कुछ में गुल्फू अच्छा है माशाल्लाह। नेक्स्ट प्रिया जैस 9748, ये लास्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम का, इसके बाद मैं इंस्टाग्राम का क्वेश्चंस नहीं ले रहा। आपकी कामयाबी की राज, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। मेरी कामयाबी की राज, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ और मेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। मेरे ग्रुप में है बहुत लोग जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं और इसीलिए वो कामयाब नहीं है। मेरे को पता है कि वो लोग मेरे में क्या सोचते हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा खुद की सुनना, किसी और की मत सुनना। बहुत लोग बोलने आएंगे, तुम एटलीस्ट उसका बात सुन लेना, उसका दिल रखने के लिए सुन लेना, पर करना वही जो दिल चाहता है। और क्या है ना, एटीट्यूड वाला जो चीज़ है ना, वो अपने अंदर कभी नहीं लाना। आप चाहे 50 के फॉलोअर्स कर लो, 100 के फॉलोअर्स कर लो, अगर दिल में बुराई है ना तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। सॉरी ये थोड़ा पॉइंट से डेविएट हो गया, वो पर्सनल था थोड़ा कुछ। जो भी है बस यही है, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। अब ये YouTube का क्वेश्चन है, तीन चार हैं, उसके बाद फिर मैं वीडियोस को एंड करूँगा। MD फारूक, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, नंबर वन, हाउ ओल्ड आर यू? 23, 24। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? बिरयानी। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? ब्लैक। एंड लास्ट क्वेश्चन, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? देखो गर्लफ्रेंड वाला मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से पूछोगे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में, वो लोग नहीं बताएंगे। रीज़न क्या है कि उनके फ़ैन फॉलोइंग्स घट जाएंगे। बट द ट्रूथ इज़ मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ, रोमांटिक टाइप थोड़ा टचिंग वचिंग वाला वीडियो जो बनाता हूँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो वो नहीं देख पाएगी। जेलसी होगा और होना जायज़ भी है। तो ऐसे क्या होता है ना कि चाहे आप वीडियो छोड़ोगे या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ोगे, तो इससे अच्छा भाई सिंगल रहो, बिंदास रहो और अपनी वीडियो पे फोकस करो। इसलिए आई एम सिंगल, मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा मत पूछना, आई एम सिंगल। नेक्स्ट, मिनीज आर्ट गैलरी, वी विल मिस यू सो मच भाई, आई मिस यू टू। एंड माई क्वेश्चन सर, आपको यूट्यूब चैनल ओपन करने का आइडिया कहाँ से आया एंड आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? देखो यूट्यूब पे मैं 2 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालता था, वो भी शॉर्ट्स। लॉन्ग वीडियो मैं पहले डालता था जब टिकटॉक बैन हुआ था, तो उसके बाद से लोग बिखरने लगे, मतलब होता है ना जलन वाला कि सब लोग वीडियो कर रहे हैं फिर भी मेरे को ही लोग पूछ रहे हैं, और प्लस मेरे फेम का बहुत लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे थे, तो इस वजह से ग्रुप बिखर गया। तो वीडियोस में उस टाइम 2-3 लॉन्ग वीडियो डाला था, उसके बाद छूट गया। तब से वो मैं बता रहा ना, 2 साल पहले मैं शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया, तो हल्का फुल्का शॉर्ट्स डालता था, और रिसेंट में मतलब 3-4 महीना पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से दूसरा वायरल हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, करते करते मेरा यूट्यूब में इंटरेस्ट आने लगा। और यहाँ पे मतलब लोग मेरे को बहुत ही ज़्यादा ही प्यार दे रहे, इतने कम टाइम में मेरे को इतने लोग प्यार देने लगे। और कमेंट में मैं देखता हूँ, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, आई लव यू ऑल। तो आप लोग ऐसे मेरे को प्यार करते रहो, इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, आप लोगों के साथ जाना है। नेक्स्ट, गेमिंग मोड ऑन, आप बहुत प्यारे सॉन्ग से वीडियो बनाते हो, उन सब में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? प्लीज़ आंसर, लव योर ऑल वीडियोज़ बाय दी वे, थैंक यू सो मच। तो इसका 3 कैटेगरी है। पहला जो मेरा फेवरेट है वो है हुआ है आज पहली बार, जो मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाया था जो वायरल भी हुए थे, वो इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि उस सॉन्ग की वजह से मेरे को रोमांटिक का टैग मिला था। सेकेंड है केके का जितना सॉन्ग है, जितने सॉन्ग मैंने वीडियो बनाया उसके सब के सब वायरल है वो सॉन्ग ना, मतलब मैं बहुत ही अच्छा लव को एक्सप्रेस कर पाता हूँ उसके लिरिक्स पे, तो वह पर हाँ उसका एक सॉन्ग है ज़रा से दिल में दी जगह तू, वो वाला तो मैं 50 बार सुनूंगा तो 50 बार कॉन्सेप्ट बना दूंगा, इतना अच्छा मेरे को सॉन्ग लगता है। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है हवाई सॉन्ग, अरिजीत सिंह का, शाहरुख खान का जो है, तो वो वाला जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप मेरे को वो सुना दोगे तो मैं तो ऐसे ही इंप्रेस हो जाऊंगा। नेक्स्ट, हैप्पी लाइफ, भैया मुझे एडिटिंग का कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे वीडियो एडिट करूं? प्लीज़ आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो? देखो मैं 2 ऐप्स यूज़ करता हूं, मैं बता देता हूं। पहला है इनशॉट और दूसरा है VN। इनशॉट से मैं स्लोमो करता हूं और VN से मैं क्वालिटी वगैरह चेंज करता हूं। अगर आप रात में शूट करते हो तो मतलब ऐसा क्वालिटी उससे हो जाता है कि वीडियो अच्छा लगता है दिखने में। तो बस ये 2 ऐप्स यूज़ करता हूं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत सारा वीडियोज़ है। नेक्स्ट, तन्वी गुप्ता, ऑफकोर्स, वेयर डू यू लिव? ओके, आई लिव इन कोलकाता। हु इज़ योर फेवरेट हीरो? शाहरुख खान, सोचने की कोई बात ही नहीं है इसमें, हीरोइन चेंज होती रहती है। अभी शाहरुख खान के साथ दीपिका आई थी तो अभी दीपिका है, अभी नेक्स्ट जवान में नयनतारा है तो नयनतारा हो जाएगी। हु इज़ अ फेवरेट यूट्यूबर? हर्ष बेनीवाल। 1 month मिल भी नहीं पाएंगे, आई विल मिस यू भाईजान, आई विल मिस यू टू। तो गाइस अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, मे से जितना क्वेश्चन हुआ मैंने लिया और मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यू नो ना आई लव यू ऑल, मैं सबसे इक्वली प्यार करता हूँ। तो अब रमज़ान भी आने वाला है, आप लोग बस दुआ करना मेरे लिए और इंशाल्लाह जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे कुछ अलग अंदाज में, या ईद के बाद कुछ नया करने वाला हूँ और यूट्यूब पे अब ज़्यादा फोकस करना है।
ठीक है, बस इतना ही। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे को जाके फॉलो करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्ज़ी। मैं तो कभी सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, मतलब जब से अभी रिसेंट से स्टार्ट किया हूँ मैं अब सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, बट ठीक है, अगर आपको मन हो तो कर लेना। चलो ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान मुबारक, और अच्छे से रमज़ान बिताना, और इबादत खूब करना, और अल्लाह को राज़ी करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।